हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास हैगी 25 फीट, और जो हमारी मकान की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 36 फीट। तो 25 × 36 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये गाँव के अंदर मकान बन रहा है, तो इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमारे पास है पोर्च, जिसके हमारे पास है 7 फीट 9 इंच बाई 11.5 फीट का, और इस पोर्च के इस तरफ भी हमारे पास स्टेयर है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3.5 फीट बाई 7 फीट का हमारे पास स्टेयर का लैंडिंग रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोर्च के जैसे सामने हमारा घर का मेन डोर है 4 फीट का, और उसके पास में 4 फीट की विंडो निकल रही है। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 9 इंच बाई 16 फीट, और जिसकी एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर और निकल रही है। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ बात है, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 3 इंच बाई 7 फीट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर और एक 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट 9 इंच, जिसकी एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर और एक 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। 25 फीट बाई 36 फीट टोटल हमारे पास मकान की साइज है। यहाँ पर पोर्च है, यहाँ पर स्टेयर, ये घर का मेन डोर, मेन डोर सेंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया, फिर यहाँ पर बेडरूम, टॉयलेट, बेडरूम और ये हमारा किचन। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है और ऐसे वीडियो देखना आपको पसंद है, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन का इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।